नमस्कार, आपके साथ में जयति मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में शिखा शर्मा। 392 तहसील 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, एक घंटे में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबर 392 तहसील। और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबर। झुंझुनू में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन पर पत्थर ले जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थरों से भरे हुए दो ट्रैक्टरों को जब्त किया। इस दौरान ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हुआ। इस संबंध में वन विभाग की टीम की ओर से ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया गया। कठुआ में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार 20 जून को एक दिवसीय उपखंड स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर स्थल पर स्काउट गाइड की सहयोग हेतु व्यवस्था हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को दी गई। कठुमर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा मंडल खेलड़ी के भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बनखड़ी हनुमान मंदिर पर आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ हनुमान चालीसा से किया गया। सौरान पूर्व राज्य मंत्री मंगलराम कोहली सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अरवल में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सियाराम बाइक पर जा रहा था, तभी ट्रैक्टर चालक ने उसे टक्कर मार दी। सियाराम ट्रैक्टर के पीछे लगी रोड साफ करने की मशीन में फंस गया। कुछ दूर तक घसीटने के बाद बुरी तरह जख्मी हो गया। फिलहाल घायल का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अलवर में पानी की समस्या के चलते स्थानीय महिलाओं ने आक्रोशित होकर रोड पर जाम कर दिया। महिलाओं ने रोड पर पेड़ के बड़े बड़े डाले डालकर जाम किया, इससे वाहनों का आवागमन बंद हो गया और गर्मी की वजह से लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ी। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने जलदाय विभाग के अधिकारियों और थानाधिकारी को जल्द ही पुलिस जाब्ता लेकर राइजिंग लाइन में लगे अवैध कनेक्शनों को हटाने के निर्देश दिए, जिसके बाद महिलाओं ने मौके से जाम खोला। सीकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सोलर स्मार्ट कंपनी लगाकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ सदर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज था। आरोपी वायरलेस विभाग में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। पुलिस अधीक्षक करण शर्मा आरोपी के खिलाफ विभाग को पत्र भी सौंपेंगे। फतेहपुर के नगर परिषद के द्वारा शहर के दौलताबाद जोहड़े में पानी निकासी के विरोध में 41 डिग्री के तापमान में नगर परिषद के खिलाफ 10 दिनों से मोहल्ले वालों ने धरना दिया हुआ है। कोर्ट से बरसाती पानी की निकासी के आदेश मिल गए। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 5 दिवसीय आयोजित होने वाले राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर उपखंड कार्यालय में बैठक आयोजित की। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के आयोजनों को सफल बनाने के लिए उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश। सांबर पुलाला को जिला बनाने की मांग की जा रही है। सीएमओ के अधिकारियों से शिष्टमंडल से मुलाकात की। जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक विवेक शर्मा के नेतृत्व में शिष्टमंडल के द्वारा सांबर पुलाला को संयुक्त रूप से जिला बनाने की मांग का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के उदयपुर वाठी कस्बे में जलदाय विभाग की टीम पानी की सप्लाई को लेकर अलर्ट मोड पर है, जिसके तहत फर्जी कनेक्शनों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी। अलवर के बांसूर में सरकारी स्कूल में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए गए। अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रेरित किया, तो वहीं अधिकारियों के कैंप में नहीं पहुंचने पर सरपंच ने नाराजगी जताई। इस मामले को लेकर उपखंड अधिकारी ने कहा कि मेरी संज्ञान में मामला नहीं है, लेकिन ज्यादातर कर्मचारी अधिकारियों को मौके पर देखा है। झुंझुनू के डिगाल में शहीद सेना मेजर अजय सिंह चौधरी के सातवें शहादत दिवस पर कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित हुई। शहीद स्मारक पर दीप प्रज्वलित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर युवाओं से ग्रामीणों ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराने का अनुरोध भी किया गया। कठुमर विधानसभा क्षेत्र के खेडली कस्बे में अखिल भारतीय राजीव गांधी समारोह आयोजित किया, जिसमें वीरा सोनी को विग्रेट का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया। इस नियुक्ति पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त की। फतेहपुर शहर मुख्य बाजार में स्थित ऐतिहासिक सरस्वती पुस्तकालय में सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने पुस्तकालय पहुंचकर भारतीय संविधान की मूल प्रति की फोटोकॉपी सरस्वती पुस्तकालय की प्रबंध समिति को सौंपी। सरस्वती पुस्तकालय की प्रबंध समिति को केंद्र सरकार की ओर से तैयार करवाई गई। झुंझुनू शहर के एक नंबर रोड पर लाखों रुपए की लागत खर्च कर बनी नाली को लेकर फिर से सवाल खड़े हुए हैं। बनपली नाली पर प्लास्टर चढ़ा दिया जा रहा, फिर से निर्माण किया जा रहा, शिकायत पर नगर परिषद आयुक्त निर्माण कार्य को रुकवाया। संबंधित फार्म को नाली को तोड़कर फिर से कार्य करवाने के निर्देश दिए।
रसाओ में सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ की ओर से राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय में शैक्षिक दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन ब्रिज कोर्स शुरू किया गया है। ब्रिज कोर्स में स्वयं सेवकों की ओर से सराहनीय कार्य भी किया जा रहा है। झुंझुनू शहर में बहुमंजिला इमारत पर नगर परिषद ने कार्रवाई की। रोड नंबर 2 पर ग्राउंड फ्लोर सहित 4 मंजिला निर्माण कार्य किया जा रहा है। नगर परिषद की ओर से निर्माणकर्ता को कई बार नोटिस देकर पाबंद किया गया, जिसके चलते नगर परिषद आयुक्त दलित पूनिया के निर्देश पर एक्सडीएम राहुल भाटिया ने निर्माण कार्य को 100 दिवस के लिए सीज किया। नगर परिषद की ओर से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत कार्रवाई की गई। प्रतापपुर कस्बे में बिगड़ती सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करवाने को लेकर भाजपा के अध्यक्ष राम अवतार रूंसला के नेतृत्व में भाजपा पार्षद और कार्यकर्ताओं के साथ नगर परिषद पर विधायक हाकम खां, सभापति मुश्ताक नसबी के खिलाफ नारेबाजी की गई और ईओ नूर मोहम्मद को ज्ञापन सौंपा गया। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 5 दिवसीय आयोजित होने वाले राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर उपखंड कार्यालय में बैठक हुई। इस दौरान उपखंड अधिकारी राजेश कुमार मीणा ने ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के आयोजन को सफल बनाने के लिए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और उकरते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबर। जतान के टुकड़ा गांव में राशन सामग्री वितरण और काश्तकारों को समय पर ऋण सुविधा नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान हुए। इस कारण ग्राम सेवा सहकारी समिति पर तालाबंदी कर दी। जतारण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेशिया की सरपंच चंपा देवी मेघवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। इस दौरान रायपुर उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार की देखरेख में मतदान प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ग्रामीणों और वार्ड पार्षदों ने खुशी जाहिर की। जतार नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी से शहर में सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई के निर्देशन के बावजूद भी व्यापक सुधार नहीं हुआ। पार्षदों ने भी पालिका प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। जोधपुर में फलौदी बीकानेर में आयोजित राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पुष्करणा बेंच प्रेस प्रतियोगिता में अशोका जिम के लिफ्टरों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान लिफ्टरों ने 13 स्वर्ण पदक, 4 रजत, 2 कांस्य पदक जीतकर फलौदी का नाम रोशन किया। 11 साल के सबसे कम उम्र के मेहुल थानवी ने 27.5 किलो बेंच प्रेस लगाकर स्वर्ण पदक जीता। जोधपुर जिले के विभाग में नवनियुक्त मजिस्ट्रेट वेदारी सिंह का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उदेश नगर के सावर सिंह राजपुरोहित सहित गणमान्य नागरिक भी मौजूद। पालिका रायपुर के गांव मेनसिया में महिला सरपंच के विरुद्ध वार्ड पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। 11 वार्ड पंचों में से 10 वार्ड पंचों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस दौरान रायपुर एसडीएम ने अविश्वास प्रस्ताव का आदेश जारी कर सूचना पर कार्रवाई की। जोधपुर के भोपालगढ़ में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल युवकों को जोधपुर रेफर कर दिया गया। गांव वालों की मदद से यात्रियों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। जैसलमेर के पोखरण में घनश्याम पर हुए जानलेवा हमले का लगातार मामला तूल पकड़ रहा है। हमले के बाद पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर ब्राह्मण समाज के लोगों में आक्रोश नजर आया। सर्व समाज के लोगों ने जुलूस निकाला। एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भिंडवाल में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री के 9 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत खेतावन भवन में नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन कर कार्यकर्ताओं और उपस्थित सभी मतदाताओं को आने वाले चुनाव में भाजपा के समर्थन में वोट करने का आह्वान किया। पंचायत समिति समदड़ी क्षेत्र के ग्राम पंचायत भलरों का बाड़ा में भानावास गांव में गंदगी और पानी की समस्याओं को लेकर सरपंच गोपाराम पटेल ने टेक्निकल टीम के द्वारा सर्वे करवाकर सीवरेज पाइपलाइन का कार्य शुरू किया। समदड़ी में मामाजी गौशाला से नाई में एक शाम गौ माता के नाम विशाल भजन संध्या कार्यक्रम 15 जून को आयोजित होगा, जिसको लेकर गौ भक्त विशाल कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए। पंचायत समिति समदड़ी क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोटड़ी में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संज्ञान के दौरान मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना को लेकर सायंकाली ग्राम पंचायत परिसर में सद्भावना सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने हिस्सा लिया। कठुआ के पूर्व प्रधान संजय खींची ने विधानसभा क्षेत्र के जटवाड़ा और धोनीजा थान का दौरा किया है। इस दौरान पूर्व प्रधान ने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना, साथ ही उच्च अधिकारियों से बात कर समाधान का आश्वासन।
जैसलमेर के नाचना में सामुदायिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर महिला नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। सभी महिलाओं को नसबंदी के बाद एम्बुलेंस से घर पहुंचाया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर रवि साकला ने कहा कि खुशहाल परिवार के लिए परिवार नियोजन जरूरी। बाड़मेर के समझड़ी में कांग्रेस सेवादल के विधानसभा अध्यक्ष खंगार गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाएं आमजन के लिए संजीवनी के समान है। इस दौरान विधानसभा प्रभारी सोनी ने कैंप का निरीक्षण कर प्रभारी से प्रगति रिपोर्ट भी ली। ग्रामीणों को गारंटी कार्ड भी वितरित। जैसलमेर की नाचना में केंद्र सरकार ने बारदाना की अवधि बढ़ाई, जिससे जैसलमेर जिले में किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी। सरसों के समर्थन मूल्य 5,450 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद की अवधि 30 जून से बढ़ाकर 14 जुलाई की। सहकारिता विभाग की ओर से खरीद संबंधी सारी व्यवस्थाएं माकूल। चलिए अब देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबर। केंद्र सरकार के 9 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर भाजपा ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का अभिनंदन समारोह और जनसभा का आयोजन 19 जून को बीकानेर के श्री जुगरगढ़ में होगा। इसको लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत की अध्यक्षता में तैयारी कर बैठक को लेकर के विस्तृत चर्चा की गई और प्रचार सामग्री का विमोचन भी किया। चुरू के रतनगढ़ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने विधायक अभिनेश महर्षि को जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि राजू ठेठ हत्याकांड में वांछित आरोपियों को पकड़वाने और प्रकरण को हाईलाइट करने के लिए इंटरनेट कॉल के जरिए धमकी दी गई। हनुमानगढ़ जंक्शन की नई खुंजा में पति ने अपनी वृद्ध पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद परिजन वृद्धा को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान वृद्धा ने दम तोड़ दिया। जंक्शन पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। हनुमानगढ़ में विवाहिता से ससुराल पक्ष के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया। विवाहिता को अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट करवाया गया। इस संबंध में महिला के भाई ने पीलीमंगा थाने में ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमे में महिला के भाई ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष की ओर से मेरी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। पूर्व में भी कई पंचायत हो चुकी है। पीलीमंगा पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। डालते हैं उदयपुर संभाग के तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ में मंदसौर रोड पर ट्रैक्टर ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो में सवार दो युवक घायल हो गए। दोनों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। हथौड़िया पुलिस मौके पर पहुंची, जहां रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। हसवाड़ा के घाटों में 2 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रारंभ हुआ, जिसमें द्वितीय दिन स्थापित देव पूजन में महिलाओं ने भव्य गंगा कलश यात्रा निकाली और आचार्य लोकेश पाठक ने मंदिर के गर्भगृह में देव प्रतिमा स्थापित कर दी। कृषि उपज मंडी में लहसुन की भारी आवक हो रही है। लहसुन के भाव में तेजी के चलते बड़ी संख्या में किसान उपज को लेकर मंडी में पहुंचे। भाव में 200 से 300 रुपए की तेजी दर्ज की गई। कासवन जिले के दिव्य निवासी गजेंद्र प्रजापत ने दहेज प्रताड़ना, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के झूठे मामले में फंसाने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर एसपी सुधीर जोशी को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार की गई। प्रदेश में 31 मई से संचालित तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन के जरिए 60 दिवसीय जन जागरूकता कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत बांसवाड़ा में मिशन निदेशक एनएचएम डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गतिविधियों की समीक्षा कर दिशा निर्देश दिए। पूर्व मेवाड़ राजघराने के महाराज कुमार विश्वराज सिंह अपने परिवार और टिहरी गढ़वारपुर महाराज उदयपुर के हिरण मगरी सेक्टर 4 से दुकान पर चोरी का मामला सामने आया। यहां पर 2 बाइक सवार युवकों ने दुकान मालिक के नहीं होने का फायदा उठाकर दुकान के गले से नकदी चुरा ली। मौके से फरार हो गए। हालांकि हरकत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। डूंगरपुर के 84 में फीटर इंचार्ज के साथ मारपीट और राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने बेवड़ा उप सरपंच समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक बाल अपचारी को डिटेन किया गया। थानाधिकारी राकेश कुमार कटारे ने जानकारी। राजसमंद के पुरानी कलेक्ट्री के पास स्कूटी पर जा रही महिला का पर्स खो गया, जिसकी सूचना पुलिस अभय कमान कंट्रोल में दी गई। जिस पर अभय कमान कंट्रोल ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे की सहायता से तलाश कर महिला का पर्स लौटाया। कंट्रोल रूम प्रभारी एएसआई उमेश सिंह ने जानकारी। राजसमंद के पीपरडा पंचायत के ग्रामीणों ने सार्वजनिक जमीन पर मोबाइल टावर लगाने पर विरोध जताया। विरोध जताते हुए
उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भील समाज के लोगों ने कहा कि वो इस सार्वजनिक जमीन पर सामाजिक कार्यक्रम करें। प्रतापगढ़ में सारस्वत ब्राह्मण समाज के राधा कृष्ण मंदिर पर 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य मार्गो से बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं के द्वारा भगवान की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा भी की गई। कुशलगढ़ में जिलाध्यक्ष ने बताया कि मोहकमपुरा स्थित श्री नरसिंह मंदिर की जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा कर रखा गया है। पुजारी सेवक महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा और जिलाध्यक्ष सुखलाल शर्मा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। देखते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबर। राजस्थान के बारा के किशनगंज विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सहरिया युवकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सहरिया स्वांग नृत्य का प्रदर्शन किया। सहरिया स्वांग नृत्य को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। सहरिया जनजाति के 97% आबादी यहां निवास करती है। कोटा ग्रामीण के कैथुल कस्बे में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने एक युवक पर फायर कर दिया। युवक के पैर में गोली लगी जिसके बाद कोटा के MBS अस्पताल में भर्ती कराया। बारा के हाउसिंग बोर्ड जमीन से नगर परिषद ने हटाया अतिक्रमण। झुग्गी झोपड़ी बनाकर किया था सरकारी जमीन पर अतिक्रमण। पुलिस को अतिक्रमण हटाने के दौरान जेवरात के कई खाली डिब्बे भी मिले। CI राजेश खटाना ने चोरी के सामान होने की संभावना जताई। बूंदी के तालेड़ा में मनरेगा मजदूरी करते समय महिला अचेत हो गई। परिवार के लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया जहाँ चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचे शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्ची में रखवा दिया। बूंदी के तालेड़ा में खेत पर काम करते समय किसान की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल राम सिंह ने बताया कि किसान धान की खेती में पानी देने गया था तब अचेत हो गया। परिजनों ने अस्पताल में एडमिट करवाया जहां डॉक्टर्स ने किसान को मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्ची में रखा। कोटा के तलवंडी इलाके में कोचिंग संस्थान के कर्मचारी के साथ बदमाशों ने मारपीट की और फरार हो गए। मारपीट में घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल ने बताया कि पार्क में बैठकर नाश्ता करते समय अलग अलग गाड़ियों पर आए बदमाशों ने हमला बोल दिया और मारपीट कर बदमाश फरार हो गए। बारा के अंता में गौरव शर्मा हत्याकांड में सर्व समाज का विरोध प्रदर्शन। गौरव शर्मा हत्याकांड में CBI जांच करवाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को CM के नाम ज्ञापन सौंपा। राजपुरा के कैथुन अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ा गई। पर्ची बनाने वाले कर्मचारी की अचानक तबियत खराब हो जाने से समय पर पर्ची काउंटर नहीं खुल पाया जिसको लेकर काउंटर खिड़की पर मरीजों की भीड़ भी दिखाई। सूचना मिलते ही नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष गायत्री शर्मा कैथुन अस्पताल पहुंचे। झालावाड़ के खानपुर में स्टेट हाईवे बाईपास पर ट्रैक्टर ने बोलेरो को टक्कर मारने के बाद खाई में गिरने की जानकारी। हादसे में बोलेरो सवार 3 लोग घायल हुए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। झलवाड़ के जलापाटन के पास मुंडलिया खेड़ी के पास अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया। इस दौरान खेत मालिक पर हथियारबंद लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट कर दी। घायल सुजान गुर्जर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया है। जांच भी जारी है। और चलिए अब देखते हैं अजमेर संभाग के तहसील की खबर। नागौर के मिर्ता सिटी में बलदेव पशु मैदान में बाल श्रम रोकथाम और उन्मूलन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान महिला कल्याण मंडल के फील्ड कोऑर्डिनेटर जुगल सिंह सोलंकी ने कहा कि बाल श्रम सामाजिक बुराई नहीं बल्कि अपराध है। बच्चे देश का भविष्य है, वही युवा देश की पहचान। लाडू के उड़ास में महंगाई राहत कैंपों प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में राजस्व विभाग ने 37 काश्तकारों का 277 बीघा भूमि का मौके पर ही खाता विभाजन किया। ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी वितरित किए गए। नागौर में मेड़ता सिटी में शांति और अहिंसा मंत्रालय ने महंगाई राहत जनसंपर्क कैंप का आयोजन किया जिसमें मंदबुद्धि और विकलांग के प्रमाण पत्र हेतु जो आवेदन आए। साथ ही राहत कैंप में जो लाभार्थियों के पंजीयन नहीं है उन्हें पीले चावल देकर स्थायी महंगाई राहत कैंप पाने का निमंत्रण दिया। अजमेर में नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ब्यावर के दौरे पर रही। इस दौरान विशेष अधिकारी और उपखंड अधिकारी ने जिला कार्यालय के लिए प्रस्तावित जमीन का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने जिले में प्रस्तावित मिनी सचिवालय और सिविल लाइन सहित अन्य भवनों के लिए जमीन दी। टोंक घाट थाना पुलिस ने नामी बद अपराधी को हिंजौली के जंगलों से दबोच लिया। घाट थाने के हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा ने बताया कि मुखबिर के द्वारा जानकारी मिली। टोंक जिले के 4 पुलिस थानों में आरोपी के खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज। अजमेर के ब्यावर में बहुजन समाज पार्टी ने उदयपुर रोड स्थित अंबेडकर भवन को सरकारी कार्यालय में तब्दील नहीं करने की मांग उठाई है।
इस मामले में कार्यकर्ताओं ने विशेष अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही कहा कि सामुदायिक भवन सरकारी कार्यालय में तब्दील हुआ तो बीएसपी पार्टी बड़े स्तर पर जन आंदोलन करेगी। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट की ओर से चलाए जा रहे फरार अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत ब्यावर सिटी थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा के निर्देश पर एएसआई रामजस मीना ने गत 15 मार्च को एक बाइक पर सवार के साथ मारपीट कर लूट के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा। चुनाव जब भी आते हैं तो दल बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। नागौर के कुचामन सिटी में भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता कांग्रेस का दामन थाम गए। विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को माला और दुपट्टा पहनाकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई। अजमेर में चोरों का आतंक है। चोरों ने वन विहार कॉलोनी में मकान को निशाना बनाया। चोरों ने हजारों रुपए की नकदी समेत लाखों के जेवरात चुरा लिए। पीड़ित परिवार ने कृष्णगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। राज्य सरकार के निर्देश पर मसूदा पंचायत समिति की लोधियाना ग्राम पंचायत ने लगाए रहा शिविर और प्रशासन गांव के संग अभियान की पूर्व सद्भावना सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और दुर्घटना बीमा सहित अन्य योजनाओं की जानकारी। ब्यावर में च्वांग गेट आंधी चौक व्यापार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिले के नवनियुक्त विशेषाधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर से मुलाकात की। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने पार्षद मंगत सिंह मोनू के नेतृत्व में विशेषाधिकारी तोमर से च्वांग गेट क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए उक्त समस्याओं के समाधान की मांग की। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति फरजन अली के शाहपुरा पहुंचने पर अभिभाषक संस्था की ओर से स्वागत सम्मान किया गया। न्यायाधिपति फरजन अली ने कोर्ट का निरीक्षण कर कार्य गति निस्तारण तेज करने के निर्देश दिए। अभिभाषक संस्था की ओर से आयोजित सभा समारोह की अध्यक्षता एडीजे सुनील कुमार ओझा ने। डीडवाना को जिला मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार चल रहा है। बीते 8 दिनों से चल रहे आंदोलन की शुरुआत डीडवाना ने लगाए गए विशेष अधिकारी को ज्ञापन देकर शुरू की। इसके बाद जिला मुख्यालय संघर्ष समिति का गठन किया गया। डिडवाना उपखंड क्षेत्र के बीएलओ ने सामूहिक रूप से उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने चुनावी कार्यों में लगे बीएलओ को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग की। साथ ही विरोध में हाउस होल्ड सर्वे का बहिष्कार किया। ब्यावर के नंदनगर स्थित प्रेमाश्रम में सद्गुरु स्वामी देवराम महाराज का 40 महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रेम प्रकाश आश्रम के संत शंभुलाल ने बताया कि प्रतिदिन प्रेम प्रकाश आश्रम में देवराम चालीसा का पाठ किया जा रहा है। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी। हरियाणा के नारनौल में 2 जून से 11 जून को आयोजित हुई नॉर्थ इंडिया स्ट्रेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कुचामन सिटी के होनहार खिलाड़ी मयंक कुमावत ने 115 किलो भार वर्ग में कुल 380 किलो भार उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं इंक्लाइन बेंच प्रेस में कुल 155 भार उठाकर दूसरा सिल्वर मेडल अपने नाम कर दिया। चलिए रुक करते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबर। टुडाभी में भाजपा नेता जहानगर मोदा और भीलापाड़ा सहित विभिन्न गांवों से लोगों ने पहुंचकर लोगों को जागरूक किया, जहां पर भाजपा नेता डॉक्टर मीना और भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी। औली में पलटा कस्बे में भाबा शाह द्वारा दी गई राशि से जैन मंदिर निर्माण हो रहा है। इसको लेकर सकल जैन समाज में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आचार्य वर्धमान सागर महाराज ने मंदिर का शिलान्यास किया। राजस्थान के सीएम गहलोत का 15 जून को बाड़ी में प्रस्तावित दौरा है। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कृषि उपज मंडी प्रांगण में जहां जर्मन हैंगर तकनीक से विशाल पंडाल को लगाया गया, आमजन से मुख्यमंत्री वार्तालाप कर सके इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। सवाईमाधोपुर के बौली में बावनवास विधायक इंदिरा मीणा दौरे पर रही। विधायक इंदिरा मीणा ने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत कर आटा मील का उद्घाटन किया। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। टोडा भीम के शहराकर निवासी राम सिंह मीणा का चारधाम की कनक दंडवत परिक्रमा लेकर लौटने के बाद प्रधान कल्पना मीणा ने स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि राम सिंह ने 7 सालों में कनक दंडवत परिक्रमा देकर चारधाम की यात्रा पूर्ण की, तो वहीं गांव लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। धौलपुर के गुरुद्वारा मोहल्ले में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन आनंद फानंद में युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
धौलपुर के भैसेना गांव में युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोतवाली थाना एएसआई मोहन मीना ने बताया कि युवक के द्वारा अज्ञात कारणों की वजह से फांसी लगा ली गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। धौलपुर में NH44 पर वाहन ने बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना में तेजसरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं वाहन चालक की तलाश में जुटी। टुडभी मुखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मजेरू में महंगाई राहत शिविर में लोगों का भारी उत्साह नजर आया। विभिन्न योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करवाकर विकास अधिकारी रश्मि मीणा, नायब तहसीलदार दिनेश मीणा ने गारंटी कार्ड वितरित किए। पाली में नगर पालिका मुख्यालय पर स्थायी सब्जी मंडी का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। प्रकरण को लेकर फल सब्जी विक्रेता विधायक आवास पर पहुंचे। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा फल सब्जी विक्रेताओं को सब्जी मंडी खाली करने के निर्देश पहले दिए जा चुके हैं। टुडाभीम सेना दौती क्षेत्र में पूर्व राजस्थान नहर परियोजना किसान विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास मीणा के आह्वान पर महिलाओं ने नादौती क्षेत्र के 18 गांव में रैली निकाली। ERCP के प्रति एकजुटता का संदेश दिया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि चंबल का पानी नहरों के माध्यम से खेतों तक लाने के लिए किसी भी संघर्ष से पीछे महिलाएं नहीं हटी। सरमथुरा में 2 करोड़ की लागत से बना लवकुश वाटिका का भूमि पूजन विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने किया। विधायक ने बताया कि 2 करोड़ की लागत से लवकुश वाटिका का सृजन किया जाएगा। इसे मुख्यमंत्री बजट घोषणा में स्वीकृति दी गई। करौली के श्री महावीर जी में ग्राम पंचायत पाटूदा में महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। तो वहीं शिविर में प्रवर्तन अधिकारी रसद सुनीता मीणा और सहायक विकास अधिकारी दिनेश शर्मा ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर शिविर में गारंटी कार्ड वितरित किए। जहां महंगाई राहत शिविर में सभी विभागों के उपखंड स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। सहारनपुर में विभिन्न मांगों को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने बजरिया स्थित महावीर पार्क में धरना प्रदर्शन किया। मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय के समीपवर्ती बहतेज कस्बे में बिजली के पोल में करंट आ गया। पुल के पास खड़े लोडर में करंट आने से चालक की मौत हो गई।